अपने यहाँ का सांसद से पूर्व सांसद हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार पर गुना कांग्रेसियों को जरा भी मलाल नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने की जगह अपनी जवाबदाही से मुंह मोड़ रहे हैं। केवल ब्लॉक अध्यक्ष संजय देशमुख और कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने ही अपना इस्तीफा पेश कर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, जबकि कांग्रेस के वे बड़े नेता जिनके आबा मंडल में सिंधिया हरदम घिरे रहते थे, उन्होंने सिंधिया की हार पर अपनी नैतिकता को स्पष्ट करने की जगह उस पर सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही जाहिर किया है। अशोकनगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिंधिया को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। शिवपुरी में भी कई नेता अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन गुना शहर में 47,000 वोटों की करारी शिकस्त झेलने के बाद भी गुना का कांग्रेसी खेमा इस हार को आखिर किस तरह से पचा पा रहा है, यह सवाल आज हर आम नागरिक की जुबान पर है। शहरी क्षेत्र में सभी पोलिंगों पर सिंधिया को हार का मुंह देखना पड़ा। बात चाहे जिला कांग्रेस की हो या फिर युवक कांग्रेस की, सिंधिया के आगे अपनी सक्रियता दिखाने वाले बड़बोले कांग्रेसी नेताओं ने न सिर्फ सिंधिया बल्कि महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की सभाओं में यह दावा किया था कि उनकी पोलिंग से इस बार सिंधिया बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कराएंगे। पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नेताओं की इन बीठी बातों के भ्रमजाल में फंस कर रह गए, जिसका नतीजा यह निकला कि पोलिंग की लीड बढ़ाना तो दूर की बात रही, मतगणना के बाद बूथों में जो आंकड़े बाहर आए उनमें सिंधिया शहर की किसी भी पोलिंग पर बड़ी जीत दर्ज करा नहीं पाए। 20 शहर मसलन सोनी कॉलोनी, माथुर कॉलोनी, नजूल कॉलोनी, हार्ट रोड, नानाखेड़ी, बूढ़े बालाजी, पुरानी छावनी, कैंट सहित दूसरी अन्य पोलिंगों पर भाजपा के डॉक्टर केपी यादव को ही बढ़त मिल पाई, जिससे कांग्रेसी नेताओं के सभी दावे धरे के धरे रह गए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ और आला नेता हार पर अपना मंथन और चिंतन करने का दम भर रहे हैं। कुछ कांग्रेसियों का तो मानना है कि सिंधिया को मोदी फैक्टर ने हराया है, जबकि जमीनी स्तर पर उन्होंने सिंधिया के समर्थन में चुनावों में कितनी मेहनत की इसका जवाब देने की जगह उस पर वे पर्दा डाल रहे हैं। हम बात करें कांग्रेस जिला अध्यक्ष विट्ठल दास मीना की, तो उन्होंने सिंधिया की हार को लेकर जो बयान दिया है वह बेहद चौंकाने वाला है। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने की जगह मीना जी का इस मामले में कहना है कि उनके इस्तीफे देने से कोई फायदा नहीं होगा, जो सबसे जरूरी काम है वह हार का मंथन करना, उसका आंकलन करना। विट्ठल दास मीना कहते हैं कि पहले से वे तय करेंगे कि संगठन से चूक कहां हुई, इसके बाद पार्टी अपनी गलतियों में सुधार लाएगी। अब ये बात भी बेहद हैरान करने वाली है कि विट्ठल दास मीना गुना ही नहीं बमोरी से प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, जहां से सिंधिया को तकरीबन 11,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जिला अध्यक्ष होने के नाते उनका इस दायरा पूरे जिले को समेटने का है, इसके बाद भी उनका ये बयान हास्यास्पद है। अब बात करें प्रदेश कांग्रेस के महासचिव योगेंद्र लुम्बा की, तो उनके मुताबिक जनता ने लोकतंत्र में अपने अधिकार को बयान किया है, मगर बात जब हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने की आती है तो महासचिव जोगेंद्र लुम्बा इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। इस मसले पर उनकी राय है कि हार की जिम्मेदारी लेने से अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, वे जिम्मेदारियां किसी पर थोपी नहीं जा सकती। लोकतंत्र में जनाधार ने अपना फैसला सुनाया है, जिसका मंथन और विश्लेषण करने के बाद ही यहाँ हार की जिम्मेदारी को तय किया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जनता को अपना मत देने और एक जनादेश देने का अधिकार रहता है। जनता को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने या उनके नेता ने के तर्कों से वितर्कों से उन्होंने अधिक प्रभावित कर दिया होगा, इसलिए जनादेश ऐसा आया। लोकतंत्र के अंदर नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात निश्चित तौर पे चुनाव में रहती है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेने और देने की भी परिस्थितियाँ रहती हैं। मैं वैसे तो इन सब चीज़ों के पछड़े में नहीं पड़ता, लेकिन यदि नैतिक जिम्मेदारी लेने और देने की बात रहती तो निश्चित तौर पर यदि कहीं 6 माह पूर्व जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी किन्हीं लोगों ने ली होती और आप लोगों ने भी उनसे इस तरीके के प्रश्न किए होते ऊपर से लेकर नीचे तक, तो निश्चित तौर पर गुना में भी इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सोचा विचारा जा सकता था। तो ये इस समय रहता है आत्ममंथन का प्रश्न की, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनादेश सदैव एक सा नहीं रहता। 6 महीने पहले कांग्रेस जीती थी, 6 महीने बाद कांग्रेस पराजित हुई है, तो उसके लिए परिस्थिति ये रहती है, परिस्थिति वश कई राजनीतिक निर्णय आते हैं, उनका उसके अनुरूप भी सोचना और विचारना रहता। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई इस तरीके की स्थिति रहेगी कि किसी को नैतिक जिम्मेदारी जिससे छोपी जाए।
ये स्थिति रहती है कि जिसके अंदर नेतागण भी विचार करते हैं और कार्यकर्ता साथी भी विचार करते हैं, क्योंकि अभी इस सारी बात को 24 घंटे ही हुए, इसलिए यदि इस सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आगे विचार किया जा सकता है। उन्हें अपनी भावना व्यक्त की होगी, उनकी भावना से शिक्री नहीं बना रह सकता, उनकी भावना से गुना नहीं बना रह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जितनी एक उस मतदाता को जिसने श्री सिंधिया जी को इतना भारी अपने इस प्रतिकूल परिस्थिति में समर्थन दिया था, जितनी पीड़ा उन्हें हुई है उतनी पीड़ा एक मतदाता के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते मैं और मेरे समेत उन सभी लोगों को हुई है जो उन्हें दिल से चाहते थे। ये सारी की सारी परिस्थिति इन 4-5 महीनों में, अभी तो ये इतनी जल्दी तो ना तो मोदी जी सोच पाएंगे ना मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता सोच सकता है कि उन्हें इतनी प्रचंड विजय मिली, बना वो उसकी कल्पना कर सकते थे ना मेरे जैसा कार्यकर्ता कर सकता है। लेकिन आज 4-5 महीने के अंदर ऐसा क्या कुछ रहा, यही हमने कहा कि मनन करने की बात है कि 4-5 महीने के अंदर कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी पर अपर हैंड होने के बाद आज की तारीख में जो ये जनादेश आया है उस पर निश्चित तौर पर मनन करने की आवश्यकता, मनन करके आगे उसी प्रकार से निर्णय लेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के 6 महीने बाद अपनी पराजय को विजय बदला के कारण वाला मामला नहीं था। राहुल गांधी के अलावा अन्य राज्यों में भी कई ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिनको उचित विजय नहीं मिल पाई, ये मामला बल्कि राहुल गांधी के कारण इस जो एक स्थिति प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के अन्य साधनों के माध्यम से जो एक छवि बनाई थी उस छवि को कारण से यदि कांग्रेस इस हालात में पीछे न सरक करके कुछ आगे बढ़ने का उसने जो संकेत दिया है, उन 3 राज्यों को छोड़ दो इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें बढ़ा के कुछ मतों का प्रतिशत बढ़ा करके, तो राहुल गांधी जी की और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी टीम का ही कमाल था जो उनने उस प्रतिकूल हवा को भी कहीं ना कहीं सहन करके अपने आप को स्थापित किया है। और निश्चित तौर पर राजनीति सदैव एक सी नहीं रहती, कल जीते थे आज पराजित हुए और आने वाले समय में कल फिर ना जीते ये संभव नहीं है।